But if I try to catch them, you'll see that they'll fly up. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, खलील के सफ़र में आप भी मेरे हम सफ़र बनिए। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज का ये ब्लॉग शुरू करने से पहले आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, ये ब्लॉग थोड़ा सा नॉइज़ी होगा, थोड़ी सी आवाज़ डिस्टर्बेंस होगी, वॉइस डिस्टर्बेंस इसीलिए होगी फ्रेंड्स। आज का ये ब्लॉग, आज के ये टॉपिक हम जिसके ऊपर कर रहे हैं वो है वन ऑफ द लाउडेस्ट बर्ड इन द बर्ड हॉबी, जिसका नाम है सन कॉन्यूज। जी हाँ, ये है सन कॉन्यूज, वन ऑफ द मोस्ट कलरफुल, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल, वाइब्रेंट और वन ऑफ द मोस्ट प्लेफुल बर्ड इन द बर्ड हॉबी। ये जो बर्ड है एक टाइम पे और अभी भी मेरा ड्रीम बर्ड है। मैं हमेशा चाहा एक सन कॉन्यूर ज़रूर रखूं, बल्कि इंशाल्लाह आगे चल के मैं भी थोड़े बहुत तो सन कॉन्यूज रखूँगा अपने फार्म पर। जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल खलील के सफ़र को आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए और साइड में दिए गए हुए बेल आइकॉन को भी दबाइए, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहे मैं तभी भी नया वीडियो अपलोड कराता हूँ। स्क्रीन पे जो शख्स देख रहे हैं इनका नाम है रेहान, ये मेरे भांजे हैं। मैं इनको साथ लेकर गया था नंदू भाई के पास में, मेरे लिए टाइम निकाल कर इतनी दूर मेरे साथ चले, मौसम भी ख़राब था आते वक्त, इसके लिए रेहान को तहे दिल से शुक्रिया। जज़ाकल्ला रेहान, आपका साथ ये सफ़र में बहुत अच्छे से गुज़रा और हम बहुत इन्जॉय करें आपका साथ। यहाँ पर जाने के बाद ऐसा लग रहा था कि ये ड्रीम कम ट्रू है मेरे लिए, जो बर्ड्स का हमेशा मैं तसव्वुर करा करता था आज वो नज़रों के सामने थे। वो इतनी खूबसूरत तरीके से मेरे पास आ रहे थे, मेरे साथ खेल रहे थे और इनके साथ टाइम स्पेंड करना यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत फीलिंग थी। जितने भी सन कॉन्यूज देख रहे हो फ्रेंड्स, ये सारे एक साल के ऊपर की एज के हैं, फिर भी ये नंदू भाई के हाथ से सनफ्लावर सीड इतने शौक से खा रहे थे, ये मंजर देखने लायक था फ्रेंड्स। आइए जानेंगे फ्रेंड्स सन कॉन्यूज के बारे में, नंदू भाई का एक्सपीरियंस किस तरह से रहा, इनके पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, हम इनसे इनकी ज़ुबानी जानेंगे। नंदू भाई पहले ये बताइए सन कॉन्यूज ही क्यों? The loud, the colorful and yeah, they're full of character. I've always liked them. अच्छा नंदू भाई, आप पहला सन कॉन्यूर कब खरीदे और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इसके साथ? My first sun conure that I got was I think about 15-16 years ago. And वो टाइम पे इट वाज वो कभी सपने भी नहीं सोचे कि मेरे पास ऐसा कुछ रहेगा बोल के, तो कहीं कभी कभार यहाँ वहाँ दिखते थे बट बाई एंड लार्ज कहीं नहीं। तो या देन वी स्टार्टेड दो जब ब्रीड करना शुरू करे तो वी स्टार्ट हैविंग अ लॉट मोर, तो फिर वो कभी वो पागलपन कम नहीं हुआ। अच्छा Thank you.
We have 50 Sankaniers in this conversion. 50. So you can see them moving their wings like this, see? So that's basically asking for attention. So that's नंदू भाई ये बताइए, ये सारे बर्ड्स आप खुद हैंड फीडिंग करें इसीलिए ये आपके साथ इतने फ्रेंडली और इतने जॉयफुल है? मगर अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, वी डोंट वांट टू हैव पीपल कैचिंग देम, सो दे कैन कम, दे आर कंफर्टेबल एट दिस डिस्टेंस, बट इफ आई ट्राई टू कैच देम यू विल सी दैट दे विल फ्लाई अवे. सो द रीजन, सी, नन ऑफ देम विल गेट ऑन टू द हैंड. So we train them that way, because if they are in a place where you'll have a lot of people coming, we want them to be in control. We don't want people to control them. So we don't want people catching them and things like that. Now see, it's okay holding me, but if I try to hold it, it'll fly away. So the comfort level is there, but they know where to draw a line. That's true. Yeah. आपको भाई, मेरे को मेरा ना इतनी खुशी महसूस हो रही है ऑन रिकॉर्ड में, इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये हमेशा जो है रिकॉर्ड रहे कि ये खुशी जो है आपने मुझे प्रोवाइड की. ये आप, मैं बोल रहा ना, तहे दिल से आई एम वेरी थैंकफुल टू यू. नहीं नहीं, ये खुदा का एक क्या बोले, तकदीर बोलिए, क्या बोले मुझे नहीं मालूम, मगर कहां हम दोनों वी वर स्ट्रेंजर्स. आप दिल्ली में थे, मैं चिड़िया में था, एक दूसरे दोनों को एक दूसरे का शौक के ऊपर इंटरेस्ट था, तो इत्तेफाकन इतने बार मिले, इतने साल से दोस्ती कायम रही, यू नो, और आप भी बढ़ते गए, मैं भी बढ़ते गया, तो इट इज फेट बोलिए क्या, आई डोंट नो, मगर आई एम थैंकफुल टू यू टू. थैंक यू सो मच. हो गया, पुकार लिए. दिस सेटअप इज क्रेजी, यू नो, मैं बोल रहा ना, ऑसम है ये सेटअप. ये सेटअप स्टार्ट करने से पहले व्हाट यू थॉट, आपके आइडिया क्या आया ये, और कहां से इंस्पिरेशन लिए, और क्या था मतलब इस, ये कॉन्सेप्ट के पीछे क्या था? सो बेसिकली मैं भी हम सब के जैसा ही छोटा केजस में स्टार्ट किया था. वो जमाना अलग था, वो आलम अलग था, जब नॉलेज नहीं था, तो भी जो भी बाकी लोग करते थे वही हम लोग भी करते आए. मगर फिर जैसा जैसा टाइम गया, बीतते गया, फिर हमने सोचा कि मेरे को जैसा, ये मेरा पुराने एनक्लोजर्स है, ये जो है 6 फीट लंबा, 4 फीट ऊंचा, 2 फीट चौड़ाई में थे,
मगर इसमें खुशी नहीं था मुझे कि हाँ हालांकि आई वाज ब्रीडिंग सक्सेसफुली, सब मजे में थे, मगर वो जब मैं किसी को दिखा रहा था मेरे को खुशी नहीं थी कि मेरा चिड़िया ऐसा छोटा एनक्लोजर में रहता है। तो ये हमारा सबसे छोटा एनक्लोजर है जो 30x30x कुछ 12 या कुछ हाइट है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि सूरज डायरेक्ट पड़ता है बर्ड के ऊपर, माय बर्ड्स हैव डायरेक्ट एक्सेस टू सनलाइट। तो ये जब होता है तो आपको आधा सूरज खत्म हो जाता है। जब आप चिड़िया को बगैर धूप में पालेंगे तो मच्छी को एक बगैर पानी का एक्वेरियम में पाले जाता है। अभी आप देख सकते हैं ये चिड़िया इतना हेल्दी है, देयर इज नो फेदर कंडीशन, देयर इज नो प्रॉब्लम्स इन देम, देयर हेल्दी एज हेल। एंड यू नो अगर वन एसिड टेस्ट अंडरस्टैंड वेदर योर बर्ड इज फाइन और नॉट इज, आप इनके ऊपर अगर पानी छिड़केंगे तो पानी लोटस का लीफ के ऊपर जैसा पानी डालेंगे कैसा गिर जाएगा वैसा गिर जाता है। दैट मींस दे हैव एनफ विटामिन डी टू, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू हैव बर्ड्स। सो दे हैव डायरेक्ट एक्सेस टू सनलाइट, दे हैव एनफ प्लेस टू प्ले अराउंड, दे हैव ऑल दिस एनरिचमेंट टू चू ऑन, यू कैन सी ऑल दिस ग्रास। सो नाउ आई ओपन द गेट सो आई कैन काइंड ऑफ गेट इनसाइड एंड चू ऑल दिस। इफ आई क्लोज द थिंग दे कैन ईट ओनली दीस साइड्स दैट आर कमिंग आउट। This is done keeping in mind the best, whatever I thought was best for my bird. It's not perfect, but it's good. You can see a small amount of cover there. That's not for the bird, but that's for the food that it provides. I don't want, agar barish padi ya dhoop zyada hua, to wo kharab ho sakta. Isliye we have wo cover there. Main to unko kuch bhi nahi hai. They are open. Barish padti hai, dhoop padta hai, and that tab. उनका जो फेदर कंडीशन है, उनका जो हेल्थ है, वो निकल के आता है। देखे आपके ये सनकॉर्न्यूर का सेटअप देखकर और आपसे इनके बारे में जानकर ये बता सकता हूँ भाई, मैं आप ट्रूली बर्ड मैन ऑफ तेलंगाना है, यू डिज़र्व इट। आप जितनी इन्फॉर्मेशन सनकॉर्न्यूर्स के बारे में इन डिटेल दिए, ये शायद कोई दूसरा नहीं दे सकता था। थैंक यू वेरी मच भाई आपसे सनकॉर्न्यूर्स के बारे में जान के और आपके सनकॉर्न्यूर्स से मिलके, ये बोल सकता हूँ कि ये मेरा मेमोरेबल टाइम गुजरा। इंशाल्लाह नंदू भाई के साथ मिलके हम सनकॉर्न्यूर्स के बारे में, इनके फूड हैबिट्स हो गए, इनका ब्रीडिंग सेटअप हो गया, ये सारे मालूमात हासिल करेंगे आगे के व्लॉग्स में। यकीन मानिए इनके साथ मैं ऑलमोस्ट 1.5 आवर स्पेंड करा, यहाँ से जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, फिर भी मुझे दूसरा सेटअप देखना था। इंशाल्लाह आगे चल के और अच्छे अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाते रहेंगे नंदू भाई के साथ। इंशाल्लाह कल के व्लॉग में हम लोग देखेंगे नंदू भाई की वालिदा का गार्डन, वो किस तरह से पैशनेटली अपना गार्डन मेंटेन कर रहे हैं इतनी ब्यूटीफुल तरीके से। ऑलमोस्ट 90% मेरे फ्रेंड्स अनसब्सक्राइब करके मेरे वीडियोस देख रहे हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स, आपका ज़्यादा कुछ नहीं जाएगा बट मुझे ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, इससे मैं आपके लिए नए नए अच्छे अच्छे कंटेंट बनाते रहूँगा। हैदराबाद में बारिशें बहुत हो रही है फ्रेंड्स, इसीलिए कह रहा हूँ कि आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और अपने पड़ोसियों का ख्याल रखिए।